दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में अब बढ़ेगी गर्मी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच कम हो रहा है अंतर, दो दिनों तक मौसम लेगा करवट। जी हाँ, बिहार में अब गर्मी बढ़ रही है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का अंतर कम हो रहा है। राज्य में 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान छपरा में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान बांका में 23 डिग्री रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान के अंतर की स्थिति यही है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में गर्मी के बढ़ने का संकेत दिया है। आने वाले 24 घंटे में राज्य के मौसम में परिवर्तन के आसार है। इसी बीच कई भागों में हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने को लेकर अलर्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर, आज से होगी पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले 5 दिन चलेगा अभियान। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राज्य भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 27 फरवरी से चालित किया जाएगा। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को बताया कि यह अभियान 5 दिनों तक चलेगा। इसी बीच 1 मार्च को महाशिवरात्रि के सार्वजनिक अवकाश को देते हुए आवश्यकता अनुसार पल्स पोलियो अभियान को 1 या 2 दिन विस्तार दिया जा सकता है। आपके जानकारी के लिए बता कि सभी दल कर्मियों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता होगी। मुख्य स्थलों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों समेत अन्य स्थलों पर प्रशिक्षित टीका कर्मियों द्वारा लक्षित बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में रूस यूक्रेन लड़ाई से बड़ी महंगाई, रिफाइन 15 तो जीरे में 80 रुपए किलो का इजाफा। जी हां, रूस यूक्रेन के कारण महंगाई भी अब बढ़ रही है। खासकर 3-4 दिनों के अंदर रिफाइन तेलों के दाम में काफी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही चटपटा खाने वालों को भी झटका लगा है। मसाले के दाम भी पिछले 10 दिनों में काफी बढ़ गया है। सबसे अधिक रिफाइन तेलों के दाम में 15 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वहीं सरसों तेल का भाव अभी स्थिर है, जो अभी 170-180 रुपए किलो बिक रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जीरा के दाम होलसेल में 80 रुपए किलो अधिक हो गया है, जो पहले 190-200 रुपए किलो था वह बढ़कर अब 270 रुपए हो गया है। वहीं धनिया 90 रुपए से बढ़कर 100-115 रुपए किलो, लाल मिर्च 150 से बढ़कर 190-200 रुपए किलो हो चुका है। बड़ी खबर, जेईई एडवांस में सफल स्टूडेंट को बड़ी राहत, आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% मार्क्स की बाध्यता नहीं। जी हां, इस बार भी जेईई एडवांस में बैठने वाले स्टूडेंट को बड़ी राहत दी गई है। एडवांस में सफल स्टूडेंट अगर बोर्ड में 75% मार्क्स या टॉप 20% में शामिल नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनका एडमिशन भी इस बार 2022-23 सत्र में आईआईटी में हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए शुक्रवार को जेईई परीक्षा पात्रता में न्यूनतम 75% अंक की से छूट देने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मंत्री पद से देंगे इस्तीफा, एनडीए की बैठक में जमकर निकाली भड़ास, सरकार में अफसरशाही का लगाया आरोप, बीच बैठक से बाहर निकले। जी हां, शुक्रवार को एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी को चुकड़े उखड़े नजर आए। उस दिन उन्होंने एनडीए की बैठक में अपने दिल की भड़ास निकाल दी, यहां तक कह दिया कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो वह इसके बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मुकेश सहनी ने सरकार में अफसरशाही होने का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बात एनडीए में भी नहीं सुनी जा रही है। अपनी बात को कहकर मुकेश सहनी एनडीए की बैठक से बाहर निकल गए थे। बड़ी खबर, बिहार के साथ साथ देश में 5G 15 अगस्त तक शुरू करने के लिए तैयारी तेज। जी हां, केंद्र सरकार ने इस साल 15 अगस्त तक 5G सेवाओं की शुरुआत करने की तैयारी तेज कर दी है। इसको देखते हुए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार नियामक ट्राई से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी शर्तों के बारे में अनुशंसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है और कहा है कि इसे मार्च के पहले सौंपने पर विचार करें। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव को लिखे एक पत्र में कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की दरों एवं शर्तों के बारे में अनुशंसा जल्द दी जाए। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, यूक्रेन में फंसे बिहारियों को अपने खर्च पर वापस लाएगी सरकार। जी हां, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में बिहार के कई लोगों के फंसे होने की खबर आने के बाद बिहार सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने यूक्रेन में फंसे बिहारियों को वापस लाने का निर्णय लिया है। बिहार के लोगों को वापस लाने में लगने वाले खर्च को भी राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानीय आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
बड़ी खबर, बिहार में कार से दुगना अधिक बिकते हैं बाइक और स्कूटी, बस कैब के मामले में पूरे देश में टॉप। यहाँ बिहार में कोरोना संक्रमण के बावजूद गाड़ी खरीदने वाले कम नहीं हुए। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार को विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके अनुसार राज्य में सबसे अधिक दो पहिया गाड़ी यानी बाइक व स्कूटी आदि खरीद होती है। इसके बाद ऑटो या टेम्पो दूसरे और कार तीसरे नंबर पर है। वर्ष 2019-20 में राज्य में कुल 13.5 लाख वाहन निबंधित हुए। इसमें 11.29 लाख दोपहिया, 29,000 ऑटो और 62,000 कार है। इस साल लाइसेंस बनाने वालों की संख्या भी दो गुने से अधिक हुई है। वहीं आपको बता दें कि बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी जैसे परिवहन यानी सार्वजनिक वाहनों के निबंधन के मामले में बिहार देश में सबसे अव्वल रहा है। वर्ष 2020 में बिहार में सर्वाधिक 1,23,000 परिवहन वाहनों का निबंधन हुआ। इसमें 1,000 बसें, 18,000 ट्रकें, 51,000 तिपहिया वाहन और 3,000 टैक्सी या कैब और करीब 50,000 वन्य वाहन रहे। अगली बड़ी खबर, सिपाही बहाली में दो फर्जी महिला परीक्षार्थी गिरफ्तार। यहाँ सिपाही बहाली प्रक्रिया में शुक्रवार को चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो महिला अभ्यर्थियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों ही परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया कि सिपाही बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठाया था। आपको बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पटना हाई स्कूल के मैदान पर दोनों अभ्यर्थियों के अंगुली के निशान नहीं मिले। शक होने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा पास होने की बात स्वीकार की। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को 909 महिला परीक्षार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित हुई। इनमें अंतिम रूप से 359 सफल हुई। अगली बड़ी खबर, TMBO में BCom पार्ट 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रोफेसर यवन राय गिरफ्तार। जी हां, 2019 को TMBO में BCom पार्ट 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला दर्ज होने के बाद 3 वर्ष बाद मुंगेर विश्वविद्यालय से संबंधित बियाराम कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर प्रोफेसर यवन राय को शुक्रवार की देर शाम विश्वविद्यालय पुलिस ने मुंगेर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर कंचन गुप्ता ने की है। राय पर कोर्ट से वारंट जारी था। TMBO के तत्कालीन कार्यवाहक कुल सचिव सरोज राय ने इस मामले में विश्वविद्यालय थाने में केस दर्ज कराया था। अगली बड़ी खबर, मिथिला अक्षर में लिखे जाएंगे मिथिलांचल के रेलवे स्टेशनों के नाम। जी हां, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा एक और मुकाम हासिल करने जा रही है। मिथिलांचल में BSNL की कॉलर ट्यून मैथिली में सुनने के बाद अब यहां के स्टेशनों के नाम भी मैथिली में लिखे जाने की मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि संसद में एक सवाल के बाद रेलवे ने इस बारे में राज्य सरकार से सलाह की मांग की है। सरकार के गृह विभाग ने कोई सलाह देने से पहले मिथिलांचल के अधिकारियों से मंथन गवांगा है। इसके बाद रेलवे को सरकार अपने जवाब से अवगत कराएगी। आने वाले दिनों में मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जयनगर व झंझारपुर में रेलवे स्टेशनों के नाम मिथिला अक्षर में लिखे मिलेंगे। आपको बता दें कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसकी मांग लोकसभा में की थी। इसके बाद रेलवे ने इस दिशा में पहल की है। रेलवे के GM ने इस बारे में राज्य सरकार से सलाह की मांग की है। बिहार में तेज व शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में पटना सबसे ऊपर। जी हां, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक बीते 10 साल में सूबे का शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2011 के जनगणना के मुताबिक बिहार में शहरीकरण का स्तर महज 11.3% था, जो वर्तमान में 15.3% हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला 131,000 रुपए के साथ सबसे ऊपर है। या दूसरे नंबर पर स्थित बेगूसराय जिले के प्रति व्यक्ति आय 91,004 रुपए से करीब 2.5 गुना अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में इनके बाद मुंगेर, भागलपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर और वैशाली है। वहीं प्रति व्यक्ति कम आय वाले जिलों में शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज व नवादा शामिल है। अगली बड़ी खबर, 28 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा बिहार का बजट, जानिए किन योजनाओं पर होगा फोकस। जी हां, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल यानी 25 फरवरी से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तकरीबन एक महीने तक चलने वाले बजट सत्र की शुरुआत कल राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ शुरू हुई है। सरकार की तरफ से इसी सत्र के दौरान राज्य का बजट पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से बजट 28 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना दूसरा बजट पेश करेंगे।
खबर हाई कोर्ट का निर्देश, बीपीएससी 1000 सफल असफल उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका पेश करे। जहां पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 1000 सफल और असफल छात्रों की उत्तर पुस्तिका कोर्ट में पेश करने का आदेश बीपीएससी को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कई सफल उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाए गए हैं, जबकि कई असफल उम्मीदवारों को दिए गए नंबर को काट कर कम कर दिया गया है। 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के एक उम्मीदवार संगीता कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री की एकल पीठ ने उक्त आदेश दिए हैं। और अंत की बड़ी खबर, 26 मार्च से 29 मई तक खेला जाएगा आईपीएल। दो ग्रुप में बांटी गई है 10 टीमें। लीग स्टेज में सभी टीमों को खेलने होंगे 14-14 मैच। जी हां, आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और टूर्नामेंट का फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। शुक्रवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। आपको बता दें कि 2011 के बाद आईपीएल इतिहास में दूसरी बार सभी 10 टीमों को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल, दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जॉइंट को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस को जगह मिली है। हर टीम को अपने ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ दो बार खेलने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरे ग्रुप के किसी एक टीम के खिलाफ दो मैच खेलने होंगे। इसके बाद दूसरे ग्रुप के बाकी बचे चार टीमों के खिलाफ एक एक मैच खेलने होंगे। आज के लिए आपका सवाल बताए कि राज्य में बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।